हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन लाइट क्रीम के बारे में, जो कि स्किन को गोरापन पाने के लिए और झाइयों की प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए काफ़ी जानी मानी और काफ़ी बिकने वाली क्रीम है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले स्किन लाइट क्रीम के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या काम है और आप इसे किस पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको फ़ायदेमंद हो, और इसका डोज क्या होना चाहिए, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं स्किन लाइट क्रीम, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस जैसे कि यह आपको 170 रुपीज़ की प्राइस में आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी पैकिंग की, तो ये 20 ग्राम के पैकिंग में होती है। और अगर हम बात करें इसकी कंपनी की, तो यह लीवा कंपनी की बनाई हुई है क्रीम है। तो यही था इसके स्किन लाइट क्रीम के बारे में जानकारी। अगर अब हम बात करें इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन है, जो कि तीनों ही कॉम्बिनेशन काफ़ी जानी मानी। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम हुई हो या अगर आप गोरापन पाने के चाहत में किसी कंपनी या कोई क्रीम का इस्तेमाल किए हो, तो उस कॉम्बिनेशन में काफ़ी जानी मानी कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन और ट्रेटिनियोन। तो अब हम बात करें इन तीनों सॉल्टों का क्या काम है। पहला सॉल्ट जो कि हाइड्रोक्विनोन है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ़ायदेमंद कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यह मेलेलिन लेवल को लेवल में रखने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि हमारे फेस पर, हमारे स्किन पर मेलेलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारा फेस का डल हो जाता है या स्किन काला पड़ जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है अगर मेलेलिन बढ़ जाए तो। दूसरा सॉल्ट जो कि मोमेटासोन, यह एक स्टेरॉइड सॉल्ट होता है। इस सॉल्ट को लंबे समय तक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस सॉल्ट का खासियत यह है कि एक्जिमा की प्रॉब्लम, स्किन के कालापन को दूर करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। अगर आपके स्किन में एक्जिमा या एलर्जी से स्किन काली पड़ गई हो, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है यह सॉल्ट। अब बात करें तीसरा सॉल्ट जो कि ट्रेटिनियोन, यह एक विटामिन ए का रूप होता है, जो कि स्किन को मॉइस्चराइज फ्री रखने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यह था इन कॉम्बिनेशनों के बारे में जानकारी। अगर अब हम बात करें स्किन लाइट क्रीम का क्या काम है और आप इसे किस पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल हो। अगर आपका स्किन में एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो उसमें काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको स्किन एलर्जी हो, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप इन सभी प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है झाइयाँ की शिकायत हो, स्किन पर किस तरह के काले घेरे पड़ गए हों या फेस पर काले घेरे पड़ गए हों, उसमें काफ़ी यूजफुल होता है। डार्क पैचेस, जो कि होठों के आसपास काले घेरे पड़ जाना, उसमें भी काफ़ी यूजफुल होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का निशान है, पुराने से पुराना निशान हो, जलेगा, कटेगा या छिलेगा या चोट का किसी भी तरह का निशान हो, अगर आपका पुराना हुआ निशान ना जा रहा हो, उस प्रॉब्लम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल होता है। इसके अलावा यह स्किन के कालापन को दूर करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। पर हाँ, आप इसे क्रीम को कालापन या और भी कोई प्रॉब्लम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो लिमिटेड समय तक ही इस्तेमाल करें, लंबे समय तक इस क्रीम का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और आप इस क्रीम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो यह था इसके फ़ायदे के बारे में जानकारी। अगर अब हम बात करें इसकी डोज और इस्तेमाल करने के तरीका के बारे में, तो जैसे कि डोज, तो आप इसे दिन में एक ही बार इस्तेमाल करें, वो भी रात को सोते वक्त। आप इस क्रीम का या इस सॉल्ट का दिन में कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस सॉल्ट के लगाने के धूप में जाते हैं, तो आपको स्किन पर रिएक्शन हो सकता है, जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो आप इसे दिन में एक ही बार इस्तेमाल करें और रात को सोते वक्त। अब हम बात करें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इस जब भी इस्तेमाल करें, जिस एरिए पे भी इस्तेमाल करें, उस एरिए को अच्छे से धो लें। धोने के लिए आप किसी अच्छे मेडिकेटेड सोप या गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप उस एरिए पर आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करते वक्त आप इस क्रीम को उस एरिए पर ज़्यादा रगड़े नहीं, हल्के हाथों से उस क्रीम का इस्तेमाल करें। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस क्रीम को उस एरिए पर ज़्यादा रगड़ते हैं, या आप किसी भी स्किन पर इस क्रीम को लगाने के बाद आप ज़्यादा रगड़ते हैं, तो स्किन रेड हो सकती है और यह काफ़ी हानिकारक हो सकता है। और आप इस क्रीम को जब भी इस्तेमाल करें, तो हल्के हाथों से इस्तेमाल करें, और आप इसे दिन में ना इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। तो यह था इस्तेमाल और डोज के बारे में जानकारी। अगर अब हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स, तो जैसे कि इस क्रीम को आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि आपको साइड इफेक्ट, जैसे कि स्किन पर बाल उग सकते हैं, स्किन का परत पतला हो सकता है और स्किन रेड हो सकती है, इस तरीके के आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसे लगाने के तुरंत बाद अगर आपको किसी तरह का जलन या एलर्जी होती है, तो आपको यह सूट नहीं कर रहा और आपको यह साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो आपको यह क्रीम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही था स्किन लाइट क्रीम के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको यह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।